गुड इवनिंग गाइस। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विकास, नमन भाई, सालू, अवय ठाकुर, गुड इवनिंग। चलिए गाइस, बिना समय बर्बाद किए आज कुछ पढ़ते हैं सीएसएस के अंदर। अब आपको शायद इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक इसमें शायद खत्म हो गया। भाई अभी मैं सीएसएस 3 पे नहीं हूं, आई एम ऑन सीएसएस ओनली, CSS Part 1। आई थिंक यस्टरडे वी हैव डन दिस थिंग। कल मैंने आपको सेलेक्टर्स पढ़ाए थे, इंसर्शन के कल तीनों टाइप बता दिए मैंने आपको, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पारस। एक्सटर्नल सी एस एस इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर वेबसाइट। इंटरनल सी एस एस इज मेंट फॉर द इंडिविजुअल पेज, किसी एक पेज के लिए होता है। और इनलाइन सी एस एस इज ओनली फॉर द सिंगल टैग। इनके ऊपर मैंने कल आपको एक एक प्रोग्राम पढ़ाया होगा, ये कंटेंट आपके पास होगा। आज मैं फिर से, गुड इवनिंग शशांक भाई, गुड इवनिंग अंकित, मैथमेटिक्स आकांक्षा, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर रेगुलरिटी। राइट शशांक, चिंता मत करना, जो आपने कहा है आई विल डू समथिंग इन द नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक में उस जावा पर कंटेंट का ड्यूरेशन या कुछ ना कुछ ज्यादा करूंगा। राइट, यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार वाला बताया था मैंने, टाइप सेलेक्टर आई हैव डिस्कस्ड, जो कि इंडिविजुअल एक टैग के लिए काम करता है। वन इज लाइक, नेक्स्ट वन इज द आईडी सेलेक्टर। ये मेरा आईडी सेलेक्टर होता है, हैश का साइन बताया था मैंने। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज पुराना भी आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लास सेलेक्टर। आपको ध्यान होगा यहाँ पर डॉट करके एक टर्म मैंने आपको बताया था। हेलो हेलो एसटीएम, क्लास सेलेक्टर वी हैव डिस्कस्ड ऑल। राइट, यहां से मुझे आज आपको पढ़ाना है। प्लीज आज की क्लास में मैं आपको सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में ही पढ़ाऊंगा। राइट, मैं जो भी कुछ आपको पढ़ाऊंगा वो सेलेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। राइट, अभी मेरा मेन एजेंडा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो, आपको उस प्रोजेक्ट के लायक बनाना है। कल मैं थोड़ा सा एचटीएमएल सॉरी जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि एचटीएमएल खत्म हो गया, क्या सीएसएस खत्म हो गई क्या। नो, एचटीएमएल में पूरा एचटीएमएल 5 पढ़ा है, सीएसएस में पूरी कंप्लीटली सीएसएस 3 पढ़ी है। एक तरीके से यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक्स। सो फिलहाल हम लोग क्लास सेलेक्टर की बात करेंगे, बट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। हम ये अच्छे से जानते हैं कि क्लास सेलेक्टर इज प्रिसीडेड बाय द डॉट का साइन, बट हम किसी इंडिविजुअल टैग के लिए ही उसको अप्लाई करना चाहते हैं।
if you want to specify that only for like a specific html element, to uske liye kya karo, p dot intro. Iska matlab jante, select all element with class intro which is for the paragraph tag only. ये क्लास सेलेक्टर आप किसी पर भी अप्लाई करेंगे, बट पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ में कितनी जगह भी लगा सकते हैं इसे. तो ये इंडिविजुअली क्लास सेलेक्टर जो है वो किसके लिए बना हुआ है पता है? पैराग्राफ टैग के लिए. कल तक आप इस क्लास सेलेक्टर को किसी के साथ भी लगा देते थे. सो दिस इज वन प्रोग्राम. यहां पर मैंने लिखा क्लास सेलेक्टर डेमो टू डॉट एच टी एम एल, क्लास सेलेक्टर डेमो टू डॉट एच टी एम एल. अब मैं आपको यहां बताऊंगा, ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, एच टी एम एल हेड, और यहां पे खुद देखिए, ये देखिए क्लास सेलेक्टर का नाम कैन बी एनीथिंग. क्लास सेलेक्टर का जो नाम है ना वो हमारा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैंने कहा पी डॉट सेंटर, पी डॉट सेंटर, तो पैराग्राफ टैग के लिए ये वाली चीज बन गई राइट, क्लास सेलेक्टर है ये राइट. अलाइनमेंट सेंटर होगा, कलर ब्लू हो गया. कलर का मतलब होता है आगे का कलर, जो टेक्स्ट का कलर होता है बेटा. किसका कलर होता है? टेक्स्ट का. यहां पर आगे स्टाइल टैग को बंद कर दिया. स्टाइल ये अंडरस्टूड है कि इसमें ये काम हो रहा होगा. देखिए एच वन, बट क्या बताइए ये क्लास सेंटर इस पे काम करेगा? नो, नॉट अफेक्टेड. बट अगर आप उसे क्लास के ऊपर अगर अप्लाई करते हो, मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर क्लास लगाते हो, तो गारंटी से इसका कलर ब्लू आएगा और ये सेंटर अलाइंड होगा. यानी कि मैं आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो क्लास सेलेक्टर है वो स्पेशली पैराग्राफ टैग के लिए. तो लेट मी डू इट, लेट मी डू इट. हमने वीएस कोड शुरू किया, वी हैव स्टार्टेड बीएस कोड. एक बार जस्ट टाइप प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स राइट. जस्ट टेक केयर अबाउट लाइक प्रेजेंट रुखसार मैम, जस्ट टाइप प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स राइट. मैं फाइल में गया, न्यू टेक्स्ट फाइल, या ऐसा कर लेते हैं फाइल न्यू फाइल एंड जस्ट टाइप व्हाट, क्लास सेलेक्टर डेमो टू डॉट एच टी एम एल, क्लास सेलेक्टर डेमो टू. व्हाट आई हैव डन, ई ड्राइव के अंदर जॉब पोर्टल वेबसाइट राइट, मैंने क्रिएट फाइल पर क्लिक किया, यहां एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं सिंपल, एंड जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट प्रेस एंटर. यहां पर मैंने लिखा, मैंने कहा टैग स्पेसिफिक, टैग स्पेसिफिक डोंट वरी एस टी एम, डोंट वरी, वी विल टेक द एवरेज ऑफ इट, हम लोग इसका एवरेज लेंगे राइट. टैग स्पेसिफिक क्लास सेलेक्टर, आप यहां पे आइए, हेड टैग में ही आपने एक टैग लिखा बेटा स्टाइल, आप मेरे साथ भी कर सकते थे इसे. वैसे हमने स्टाइल में आए और यहां पर आके मैंने लिखा पी डॉट सेंटर, पी डॉट सेंटर, और यहां पर आप कोई भी रूल एक लगा सकते, जैसे टेक्स्ट अलाइन, कलर, जैसे टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोलन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, पुट सेमी कोलन हियर, और दूसरा और एक ले लेते हैं कलर, ब्लू नहीं लेते यार, लाइक
मैंने लिया मैजेंटा, देख रहे हैं आप दिस वन, पी डॉट सेंटर राइट, पी डॉट सेंटर, टॉकिंग अबाउट दिस, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया, दिस इज द कलर गाइस, ये मेरा कलर हुआ। अब आप ये देखो जो सेंटर वाली जो चीज है, ये पैराग्राफ टैग के ऊपर ही, किसके ऊपर, ये सिंपल पैराग्राफ टैग के ऊपर ही अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, पैराग्राफ टैग के ऊपर। तो मैं अभी ऐसा करूंगा, आप बॉडी में आइए, मैंने कहा एच वन, और यहां पर आके मैंने लिखा क्लास सेंटर, हे आई एम एच वन टैग, मैं एच वन टैग हूं बट नो फॉर्मेटिंग, कोई फॉर्मेटिंग इसके ऊपर नहीं आई। बट अगर आप पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हैं और अगर आपने यहां अगर सेंटर लगाया है, देखिए क्योंकि ये पी के ऊपर सेंटर अप्लाई हो जाएगा बेटा, यहां लिखा मैंने हे आई एम पैराग्राफ टैग बट हैव फॉर्मेटिंग, बट मेरे पास फॉर्मेटिंग है, हे आई एम पैराग्राफ टैग, मैं एक पैराग्राफ टैग हूं बट हैव द फॉर्मेटिंग। क्यों, एक कह रहा है मेरे ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं है और एक कह रहा है मेरे ऊपर फॉर्मेटिंग है, क्योंकि आपने ये कहा है, आपने यहां पर क्या किया है, व्हाट यू हैव डन इन दैट, आपने इसके अंदर क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि पैराग्राफ के अंडर में आपने डॉट सेंटर लिखा राइट, डॉट सेंटर, तो पैराग्राफ के ऊपर तो ये क्लास सेलेक्टर काम करेगा बट इसके ऊपर नहीं करेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी शायद आपको, एक बार सेव करा के इसे मैं चला के दिखा दूं आपको, सॉरी ये डिफॉल्ट ब्राउजर में नहीं लेना था, मेरे यहां ये यही चीज खुल के आ जाती है, ये गिव मी वन सेकेंड, राइट क्लिक, ओपन इन क्रोम, देख रहे हैं आप वो लेफ्ट अलाइंड है बट ये सेंटर अलाइंड आ रहा है, देख रहे हैं आप, सी कलर भी मैजेंटा किया था और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट वह बेसिकली मैंने क्या कर दिया है बेटा, सेंटर कर दिया, सेंटर कर दिया। आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए लेट मी प्रोसीड इन दैट, ग्रुपिंग सेलेक्टर ये आपको आता है, जैसे आप चाहते हैं कि कोई रूल आपको एक से ज्यादा टैग पर अप्लाई करना है, कोई रूल आप एक से ज्यादा टैग पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुपिंग सेलेक्टर राइट। जैसे ही ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा गाइज, आई वुड स्टार्ट द जावा प्रोजेक्ट्स, बट वो लोग लाइव में नहीं होंगे वो प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में रखूंगा, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा विद सोर्स कोड। अभी हम दो ही सीरीज चलाएंगे बस, एक जावा प्रोजेक्ट एंड नंबर टू इज डीएसए यूजिंग जावा, ये दो चीजें चलाएंगे बस, जावा में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर ये फ्रंट एंड का इतना आता है देन यू कैन डू एनीथिंग, और ये वाली चीज डीएसए यूजिंग जावा, इन दो चीजों पर बेसिकली मेरा फोकस रहेगा।
फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, अभी इस वीक में मैं इसे यस, पैसे किसी भी चीज के नहीं लेंगे सत्संग हम लोग। सो नहीं, खुशी ये स्टार्ट करना है बेटा। आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम लास्ट सेमिनार, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, राइट, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। सो द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। जैसे ग्रुपिंग का मतलब ये वाली चीज, जैसे मैं आपको एक ग्रुप में ही तो पढ़ा रहा हूं, डिव और पैराग्राफ टैग, डिव और पैराग्राफ टैग, टॉकिंग अबाउट दिस वन, सी डिव कॉमा दिस वन। तो जहां जहां कहीं भी आप डिव टैग का और पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, देखिए यहां पर ये जो रूल है, स्टाइलिंग रूल है, वो डिव टैग और पैराग्राफ टैग दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। कह रहा ना, सेलेक्ट ऑल डिव एलिमेंट एंड ऑल दी पैराग्राफ एलिमेंट। अगर एक एक करके करते, जो कि टाइप सेलेक्टर की स्टाइल है, किसकी स्टाइल है बेटा, टाइप सेलेक्टर की जो स्टाइल है, इन दैट व्हाट यू डू, इसके अंदर क्या करते, एच वन एच टू और पैराग्राफ, एच वन एच टू और पैराग्राफ, हेडिंग वन हेडिंग टू और पैराग्राफ टैग, ये अलग अलग रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। अगर इसके लिए कोई भी रूल बनाते तो कैसे बनाते बताए बेटा। इस हालांकि इसका ड्रॉबैक देखिए पहले, व्हाट आई एम सेइंग, सी इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इससे मैं एक ही फ्रेम में आपको इसको बता पाऊंगा। सी, ग्रुपिंग का बेनिफिट समझना आप लोग। एज यू कैन सी, यू नीड टू डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स। एज यू कैन सी, यू नीड टू डिफाइन सीएसएस प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट कैन बी ग्रुप्ड। एक हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ रहा है, बट आप नीचे देखना, एच वन एच टू और पी, इसको ग्रुपिंग कहते हैं बेटा। दिस इज ट्रीटेड एज व्हाट, ग्रुपिंग। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि सारे रूल्स को हमने एक ही जगह पर बता दिया। यहां पे जो काम आप तीन बार कर रहे हैं, एक दो तीन, द सेम टास्क कैन बी डन, द सेम टास्क कैन बी डन फॉर ऑल थ्री टैग्स इन वन गो। ये मैंने एक ही बार में कर दिया ना, आई हैव डन इट इन वन गो, इट इज ऑल डन। सो मैं ये बताना चाहता हूं, इसके इसे आप करिए, व्हाट आई एम सेइंग कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए, एक डेमो बनाइए आप इसके लिए, ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर डेमो डॉट एच टी एम एल। सी, डॉग टाइप डिक्लेरेशन हो गया बेटा, डॉग टाइप, यह देख रहे हैं, एच वन के लिए एच टू के लिए और पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, कलर भी, मतलब यहां डिजाइनिंग रूल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई। तो यहां पर आपने देखा, हेलो कैरियर कंपाइलर, हेलो कैरियर कंपाइलर डॉट कॉम, दिस इज अ पैराग्राफ टैग, बट बिलीव मी तीनों ही चीजें सेंटर में आएंगी, और तीनों का कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। ये मैं ग्रुपिंग सेलेक्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सो Shall I do this, guys? एक बार करके दिखाऊंगा आपको मैं। Let me do it. ये प्रोग्राम बताकर फिर मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप चीजों को करेंगे, राइट? न्यू फाइल, सी
कम ईयर एंड आपने लिखा ग्रुप सेलेक्टर डेमो डॉट HTML, जॉब पोर्टल में ही जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, माई टाइटल। जब हमें इंटरनल CSS पढ़ना होता है देन जस्ट टाइप व्हाट स्टाइल, जस्ट स्टाइल, क्योंकि बार बार एक ही चीज कर रहे हैं हम लोग। सो H1, H2, पैराग्राफ टैग, राइट। यहां पर आए, टेक्स्ट अलाइन इज लाइक सेंटर एंड कलर इज व्हाट रेड। आई थिंक ये समझ में आ गया हो, ये रूल किसके लिए अप्लाई हुआ? तीन टैग के लिए अप्लाई हो गया। आप बॉडी टैग में आइए, इट इज अ बॉडी टैग गाइस। ये लिख दिया है आई एम H1 टैग, H1। H2, दिस इज दी दिस इज दी हेडिंग टू, और यहां पर मैंने लिखा दिस इज दी पैराग्राफ टैग। दिस वन, हे आई एम H1 टैग, दिस इज द हेडिंग टू, दिस इज द पैराग्राफ टैग। ऐसे किया, जस्ट सेव इट। राइट, जस्ट राइट क्लिक एंड यहां पर किस पे जाना होगा बेटा? लेट मी मेरे उस टूल से ओपन इन अदर ब्राउजर क्रोम। देखिए तीनों चीजें यहां आ रही हैं। हमने उस डिजाइनिंग में क्या किया था? सेंटर में आए और जो उसका कलर हो, जो उसका कलर हो वो रेड होना चाहिए। पैराग्राफ टैग क्योंकि नॉर्मल है, दिस इज द कैपिटलाइज वन, H1 की वजह से वो मोटा आ रहा है। तो अभी मैंने जो आपको बताया दैट वाज द ग्रुपिंग सेलेक्टर, राइट। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल होता चला जाएगा, राइट। डिसेसेंट सेलेक्टर, अब आप इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करना, व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस, राइट। क्या लिखा हुआ देखो, सपोज सपोज यू वॉन्ट टू अप्लाई, सपोज यू वॉन्ट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली वेन इट लाइज इन साइड अ पर्टिकुलर एलिमेंट एज गिवेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। स्टाइल रूल विल अप्लाई टू द बोल्ड टैग ओनली वेन इट लाइज इन साइड द पैराग्राफ टैग। मतलब वॉट डू यू मीन बाई दिस? यानी कि हम जो रूल बना रहे हैं ना, वो बोल्ड टैग के लिए बना रहे हैं, बट इसका मतलब होता है मैं आपको सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि कलर ग्रीन किसका होगा बोल्ड टैग का, बट वो किसके अंडर में होगा जब पैराग्राफ टैग के अंडर में होगा। एक सेकंड के लिए मैं कुछ भी एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, गिव मी 1 सेकंड गाइस, जस्ट कॉपी इट, राइट। या मेरे पास एक कंटेंट कहीं ना कहीं होगा, गिव मी 1 सेकंड। सी DESC डेमो, देखो ये मैंने यहां पर यूज किया, राइट। लेट मी टेक हेयर ओनली, इसे हटा दिया मैंने। गिव मी 1 सेकेंड गाइज, राइट।
इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज गिविन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उसी पैराग्राफ टैग का बैकग्राउंड कलर येलो करना, उसी पैराग्राफ टैग का बैकग्राउंड कलर येलो करना जो डिव के अंडर में हो। पैराग्राफ टैग कहीं और भी हो सकता है। आज सशांक नहीं करूंगा, आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो, बट सुमित सर की तबीयत ठीक नहीं है, बट चिंता मत करो, ब्यास सहित कंप्लीट करूंगा। हैव फेथ इन मी, मतलब मैं, आप मुझे जानते नहीं होंगे सशांक, मैं सुबह से शाम बैचेज ही लेता रहता हूं, बट आई वुड कंप्लीट इट, आई विल, चिंता मत करिए, मतलब आपको कंटेंट मिलेगा इसमें, डोंट वरी, मतलब मैं आपको बस इतना भरोसा दिलाऊंगा। सो यहां पर हम आए और आप बस ये देखिए, आप एक बार सी, मैं सिंपल थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां पे, देखिए, सो मैनी पैराग्राफ टैग्स वी हैव, सो मैनी पैराग्राफ टैग्स वी हैव, जैसे ये एक पैराग्राफ टैग, बट इट इज नॉट इन साइड द डिव टैग ना, बट दीज आर इन साइड द डिव टैग। अब आप खुद देखिए, जो डिव टैग के अंडर में उन पर ये रूल अप्लाई होगा बेटा। सी, लेट मी रन इट, या ये ऑलरेडी चला तो हुआ ही है, रिफ्रेश करने दीजिए मुझे। आपने देखा पैराग्राफ वन इन द डिव टैग, पैराग्राफ टू इन द डिव टैग और पैराग्राफ थ्री, बट देखो 4, 5 पर इसका कोई असर तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए, हालांकि इसको मैंने सेक्शन टैग के अंदर में रखा है और एक लेवल डीपर चला गया है वो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग डिव के अंदर कहीं भी हो, उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। इसे डिसेसेंट सेलेक्टर कहते हैं बेसिकली। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात और बताने वाला हूं इसमें, लेट मी क्लोज इट फर्स्ट। चाइल्ड सेलेक्टर, कोई, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, सब लाइन में क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेसेंट सेलेक्टर एंड चाइल्ड सेलेक्टर, कोई बता सकता है? इसमें से डिसेसेंट में आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दैट। एनी वन कैन एक्सप्लेन इट, डिसेसेंट सेलेक्ट एंड चाइल्ड सेलेक्टर? एनीवन, पहले तो दोनों में अंतर समझो। डिसेसेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे बॉडी और बॉडी के अंदर पी, ये तो था डिसेसेंट। और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, चाइल्ड की बात करूं, अगर चाइल्ड की, तो वो होता है ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक्चुअल में सिमिलैरिटी तो ये है
कि ये पैराग्राफ टैग पी में, मतलब पैराग्राफ टैग बॉडी के अंदर होना चाहिए, और यहां पर भी ये किसके अंदर होना चाहिए, बॉडी के अंदर, बट यहां पर आप ये समझो इट कैन बी डीपर टू एन लेवल, जैसे ग्रैंड फादर इज टॉकिंग टू ग्रैंड सन, और जो चाइल्ड सेलेक्टर होता है वो इमीडिएट होता है, एक पापा अपने बेटे से बात कर रहे हैं। ये अवय ठाकुर का आंसर ठीक है, द डिसेंट कम्युनिटर मैचेज अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन, वही कह रहा हूं ना ग्रैंड सन, बट द चाइल्ड कॉम्बिनेटर सेलेक्ट एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन, यानी डायरेक्ट अपने बच्चे से ही बात कर सकता है। आपने नोटिस नहीं किया, अभी मैंने जो पढ़ाया था ना डिसेसेंट टॉकिंग अबाउट दिस वन, आप देखना कुछ पैराग्राफ टैग तो डायरेक्टली डीप के अंडर में थे, कुछ पैराग्राफ टैग तो डिव के डायरेक्ट अंडर में थे, परंतु कुछ आपने ये देखे होंगे, कुछ आपने ये देखे होंगे कि कुछ सेक्शन के अंदर, देखो थर्ड लेवल है इसका, पहले डिव के अंदर सेक्शन है और सेक्शन के अंदर पैराग्राफ है, बट जो चाइल्ड सेलेक्टर होता है डियर वो डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड। सो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द सेलेक्टर्स विच इज वेरी सिमिलर टू द डिसेसेंट, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द सेलेक्टर्स विच इज वेरी मच सिमिलर टू द डिसेसेंट बट हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द सेलेक्टर विच इज वेरी सिमिलर टू डिसेसेंट बट हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी। देखो ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट पैराग्राफ, द रूल विल रेंडर ऑल द पैराग्राफ टैग इन ब्लैक, हर चीज को ब्लैक कर देगा इफ दे आर डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द बॉडी। ये डायरेक्ट चाइल्ड याद कर लो बस यार, डायरेक्ट चाइल्ड, ये डिसेसेंट आता है आपको, सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इनसाइड द डिव एलिमेंट एट एनी लेवल, एट एनी लेवल। सो लेट मी शो यू द चाइल्ड सेलेक्टर, देखो ये रहा, सी डिव के अंदर पैराग्राफ टैग, बट जो डायरेक्ट होगा बेटा उसी पर अप्लाई, इसी में ऐसा करो ना, आप बस मेरे कहने से इन दोनों के बीच में ये ग्रेटर देन का साइन लगा दो, तो इससे क्या बेनिफिट होगा बताया, ये तीसरे वाले पर से इसका इंपैक्ट हट जाएगा बिकॉज दैट वॉज नॉट द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ इट। सी रिफ्रेश इट, देखिए हट गया, इफ यू आर गेटिंग दिस जस्ट टाइप एम एस, एम एस इन द चैट बॉक्स, एम एस स्टैंड्स फॉर मेक सेंस, आपको कुछ समझ आ रहा है इसका मतलब, राइट? एम एस, ग्रेट, कुणाल, साहिल, सिमरन, आर्यन, राहुल, छवि, खुशी, पारस, नेहा, ग्रेट, यू आर सो रेगुलर गाइज, रोहित भाई, चलिए, ये नॉर्मली सीएसएस में हर बच्चा ये चीजें नहीं जानता, अभी ये समझिए डीप चल रहा है इसका, राइट? नेक्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर आई हैव टॉट, अब देखिए एक नया टर्म आ रहा है, राइट? एडजेसेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट, बगल में, डिप प्लस पी, प्लस का साइन है बेटा यहां,
select all paragraph element that are placed immediately below, just niche ho, just niche, just niche. Let me teach you this. Adjacent. See, ये dog type declaration हो गया HTML head style में. देखो plus का sign लगाया हुआ है, right? यानी कि ये रूल उन्हीं पर अप्लाई होगा जो जस्ट div tag के नीचे होंगे, जस्ट नीचे, अंदर नहीं, जस्ट उसके नीचे. जैसे द प्लस सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर एनदर स्पेसिफिक एलिमेंट. जैसे लेट मी डू इन दिस वन ओनली, राइट, इसी के अंदर इसको एक बार करके चलते, राइट. जैसे मैंने बेटा ग्रेटर देन का साइन आया और प्लस लगा दिया, तो ये रूल किस पर अप्लाई होगा बताना मुझे. आप अपनी समझ से बताइए इसमें से किस पर अप्लाई होगा. आई डू नॉट वॉन्ट टू बीट द बुश, अब इधर उधर की बात नहीं करते हैं. ये रूल अप्लाई होगा 4 पर और 5 पर, क्योंकि वो बात करता है एडजेसेंटली. एडजेसेंट होता है जस्ट नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला. तो मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे सेव करो और 4 और 5 पर इसका रूल देखिए. आप देखिए अभी फिलहाल 1 और 2 आ रहा था, बट राइट नाउ इट इज कमिंग लाइक 4. व्हाई इट इज नॉट कमिंग ऑन 5? क्योंकि जस्ट नीचे नहीं है उसके वो, क्योंकि वो उसके जस्ट नीचे नहीं है. 5 पर भी नहीं आया बेटा. 5 पर कब आता? देखिए ये ग्रामर है, अब शायद उसके ऊपर आ जाना चाहिए वो. नाउ इट शुड कम ऑन द 5th वन ऑल्सो. पहले 4 पर ही क्यों आया था? क्योंकि दूसरा पैराग्राफ टैग तो पैराग्राफ के नीचे था ना, ना कि डिव के नीचे. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? इफ यू आर गेटिंग द डिफरेंस, जस्ट टाइप डिफरेंस इन द चैट बॉक्स. अरे एडजेसेंट ये कहता है ना, प्लस का मतलब तो डिव के जस्ट नीचे होना चाहिए, बट जो दूसरा पैराग्राफ टैग होगा, दूसरा पैराग्राफ टैग वो तो पैराग्राफ के नीचे है, ना कि डिव के नीचे. अभी मैंने आपको फर्जी यहां पे डिव टैग लगाया, देन इट इज अप्लाई, राइट, देन इट इज अप्लाई. आई होप यू गॉट इट. ये बात समझ में आ गई होगी शायद आपको. इट इज ऑल ग्रामर गाइज. सी, और भी बहुत सारे सिबलिंग सेलेक्टर्स, राइट. ये जो साइन होता है बेटा, ये टिल्ड का साइन होता है. दिस इज व्हाट टिल्ड का साइन. टॉकिंग अबाउट दिस, द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ द स्पेसिफाइड वन. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल पैरा एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ द डिव. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी मैं आपको बताता हूं इसे. जैसे मैंने टिल्ड का साइन लगा दिया, राइट, लेट मी रिमूव दिस डिव. मेरी बात को समझना, क्योंकि अभी मैंने प्लस लगा रखा है यहां, तो जस्ट नीचे वाले पर अप्लाई हो रहा था वो. देखिए अभी यहां पे 5 पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा बेटा, बट अगर हम प्लस की जगह पर अब मैं टिल्ड का साइन लगा दूं, ये टॉप लेफ्ट पे आपको मिलेगा, ये टिल्डे का साइन कहते हैं, टिल्ड कहते हैं बहुत सारे लोग. जस्ट रिफ्रेश इट, नाउ इट इज कमिंग. अरे भैया जस्ट नीचे लेके आना है तो प्लस लगाएं, और अगर ये टिल्ड का साइन लगा, जनरल जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, और जो ये वाला था दैट वाज द एडजेसेंट, जस्ट बगल वाला, जस्ट नीचे वाला. ऐसे ही एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिसकी वैल्यू मैच कर जाए उसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहते हैं. देखिए ये क्या कहना चाह रहा है बता रहा हूं तुम्हें मैं.
लेट मी टीच यू दिस व्हाट इट इज सेइंग। ये कह रहा है क्या रहा कि मैं उसी के ऊपर उसी एंकर टैग पर रूल अप्लाई करूंगा, उसी एंकर टैग पर रूल अप्लाई करूंगा जिसका टारगेट ब्लैंक होगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। उसी का बैकग्राउंड येलो करूंगा जिसके एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक लिखा होगा। दिस इज नोन एज द एट्रीब्यूट सेलेक्टर। लेट मी शो यू दिस वन एट्रीब्यूट वैल्यू एसटीएमएल। देख रहे हैं आप, यह बता रहा है एंकर टैग जिसका टारगेट में ब्लैंक होगा उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो देखिए ये एंकर टैग है बेटा, दिस इज द एंकर टैग। देखो कैरियर कंपाइलर डॉट कॉम पर क्लिक करेगा तो ये खुल जाएगी, डिज्नी डॉट कॉम पर क्लिक करेगा तो ये खुलेगी, और विकिपीडिया पर क्लिक करेगा तो ये खुलेगी। अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी वाली वेबसाइट का बैकग्राउंड येलो आ रहा होगा, जो लिंक है किस वाली का आ रहा होगा? गोपाल अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है, अटेंडेंस इज ऑलरेडी डन। कैरियर कंपाइलर डॉट कॉम ये ध्यान रखना, अटेंडेंस में कभी भी ले लेता हूं राइट। कैन यू टेल मी कि इसमें से बैकग्राउंड कलर येलो किसका होगा जिस एंकर टैग के अंदर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा होगा? यस खुशी, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। बेसिकली डिज्नी डॉट कॉम का जो बैकग्राउंड होगा ना बेटा, डिज्नी डॉट कॉम का बैकग्राउंड जो होगा वो येलो कलर में आ जाएगा। लेट मी शो यू दिस, लेट मी शो यू दिस। सी स्टाइल के अंदर एंकर टैग में स्क्वायर ब्रैकेट में टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब यह है कि जब आप क्लिक करोगे तो वो एक नई टैब में उसको ओपन कर देगा राइट, नई टैब। सी दिस, देख रहे हैं आप जो आपकी डिज्नी है, वही येलो कलर में आ गया। दिस वन, दिस वन, कैरियर कंपाइलर डॉट कॉम और डिज्नी डॉट कॉम। अब आपको एक डिफरेंस और बता देता हूं, जब आप कैरियर कंपाइलर पर क्लिक करेंगे तो वो यहीं की यहीं ओपन होती है, उसमें %20 लगा हुआ है, समवेयर में स्पेस दे चुका हूं। लेट मी रिफ्रेश इट। सी इट इज ओपनिंग दिस वन, वहीं की वहीं ओपन कर दी उसने। बट अगर आप डिज्नी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि उसमें टारगेट में इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे रखा है, क्योंकि टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक दे रखा है, उसका मतलब जानते हैं आप कि जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई टैब में खुलकर आएगा वो। देखिए नई टैब में खुलकर आया, आर यू गेटिंग दिस? क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जब आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वो एक नई टैब पर खुलकर आ जाएगा। इज दैट, विकिपीडिया पर क्लिक किया वो उसी के ऊपर खुलकर आ गया राइट टॉप। आप बैक जाएंगे तो फिर से पुराने को स्टैक बन जाता है, उसी के ऊपर आ जाती हैं वो चीजें। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर टिल्ड के साथ लगा रहे हैं, इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफिक वर्ड, मोरलेस उसी से रिलेटेड है
यानी कि लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एट्रीब्यूट, या टिल्ड का साइन लगा दिया राइट, ऑल इमेजेस विद द टाइटल एट्रीब्यूट कंटेनिंग द वर्ड फ्लार गेट अ येलो बॉर्डर, जहां कहीं भी फ्लार लिखा हुआ देखो इसके अंदर एच टू के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां कहीं भी फ्लार आ रहा होगा वहां पर उसका रूल अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये पाइप के साइन के साथ है, सेल्फी यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि इसमें शुरुआत अगर इससे होगी द वैल्यू हैज टू बी अ होल वर्ड इधर अलोन लाइक क्लास टॉप और फॉलोड बाई अ हाइफन, मतलब आप इसे प्रैक्टिकली एक बार करके दे, टिल्ड ये कैरेट का साइन जब होगा तो सेलेक्टरी यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू बिगिन विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू, सो डॉलर का साइन ये, अरे कैरेट का साइन शुरू में और डॉलर का साइन होता है एंड में, ये मैं एक बार करके दिखाने जा रहा हूं, और स्टार लग जाए तो इसका मतलब वो कहीं भी हो। सो लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। देखिए मेरे पास ये कुछ एट्रीब्यूट से रिलेटेड डेमो, एट्रीब्यूट वैल्यू डेमो वन विच आई हैव टॉट गाइस, विच आई हैव टॉट। एट्रीब्यूट वैल्यू टू देखो टिल्ड का साइन लगा हुआ है राइट, आप ये समझना बेटा, जहां कहीं भी फ्लार मिलेगा जैसे यहां मिल गया और यहां मिल गया, ये इमेजेस मैं यहीं से चला देता हूं बेटा, ये इमेज मेरे पास है एक्चुअली ओपन विद क्रोम, क्रोम आपने एक चीज नोटिस की कि इस वाली इमेज का बॉर्डर येलो आ रहा है और इस वाली का आ रहा है बट इसका नहीं आ रहा, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, तीसरी वाली इमेज का बॉर्डर येलो क्यों नहीं आ रहा है, ये आप समझ लो बेटा। सी जिस किसी के टाइटल में फ्लार आ रहा होगा दिस वन, तो आपने देखा पहले वाले के में ये फ्लार आ रहा है टाइटल में, दूसरे वाले के में फ्लावर आ रहा है बट तीसरे वाले के में नहीं आ रहा ना, तीसरे वाले के में नहीं आ रहा, तो उसका देखो बॉर्डर में 5 पिक्सल सॉलिड येलो, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉर्डर बॉर्डर क्या, बट आप ये समझ लो बॉर्डर आ रहा होगा उसका, बट किन का आ रहा होगा, जिसके टाइटल में कहीं पर भी फ्लावर वर्ड होगा। ऐसे ही आई हैव वन मोर डेमो, सी ये पाइप का साइन और टेस्ट, बट वो क्लास टेस्ट होनी चाहिए, सी एक में टेस्ट यहां पर है, एक में टेस्ट यहां पर है और एक में टेस्ट यहां पर है, सो मैनी टेस्ट, सो लेट लेट मी शो यू दिस ओपन विथ क्रोम, आपने नोटिस किया द ओनली टेस्ट डिव एलिमेंट दिस वन, यानी कि जिस किसी में ये वाली साइन लगा होगा दिस वन, लेट मी शो यू इन थ्योरी एज वेल, ये वाला साइन सेलेक्ट यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाइड, उसी से स्टार्ट हो, देखिए टेस्ट इसी में तो है बेटा, मतलब वही एक्सक्लूसिवली, अब इसमें छोटे छोटे अंतर कर दो आप, जैसे आप स्टार लगा दो यानी कि जहां जहां टेस्ट आ रहा होगा सब अप्लाई हो जाएगा, सब पर देख रहे हैं आप सब पर अप्लाई हो गया, अगर आपने कैरेट का साइन लगा दिया, इसे कैरेट का साइन कहते हैं बेटा,
तो जिनकी शुरुआत टेस्ट से हुई होगी, जिनकी शुरुआत टेस्ट से हुई होगी, उनका कलर येलो रहेगा। देखो देखो, सेकंड का और ओनली का क्यों? देखो, इसकी शुरुआत टेस्ट से हुई है और इसमें भी शुरुआत टेस्ट है। किसी के एंड में टेस्ट हो, उस पर कैसे अप्लाई होता है? आप ये कैरेट का साइन हटा देना और यहां डॉलर का साइन लगा दो बेटा, ये वाला। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं डियर, छोटे छोटे। डॉलर का साइन लगाने से एंड में होना चाहिए। अब सी तो किसमें है? एंड में एक ये रहा और एक ये रहा। जस्ट सेव इट, रिफ्रेश इट। देख रहे हैं आप, जिन किसी के भी एंड में टेस्ट होगा, एक दो तीन और चार। सो कैन यू डिफरेंशिएट इट? अगर हम यहां पर पाइप का साइन लगाते हैं तो जहां ओनली टेस्ट होगा वही चलता है। अगर हम चाहते हैं कहीं भी हो तो स्टार लगा दो, कहीं भी। देखो सब आ गए। हम चाहते शुरुआत में हो बस, तो कैरेट का साइन लगा दो जिनमें शुरू में होगा। देखो सेकंड में और ओनली में, सेकंड में और ओनली में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे पूरा विश्वास है आप इन्हें जरूर पढ़ेंगे। डॉलर का साइन, स्टार। स्टार तो वाइल्ड कार्ड होता है, किसी भी चीज को एंट्री दे देता है। सो ये मैं आप पे छोड़ता हूं गाइस। थोड़ा सा और एक बार आप पढ़ेंगे, मैं ये डेमोज आपको अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी टेलीग्राम में डाल दूंगा। आई वुड पुट ऑल डेमोज राइट। कल इसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने अपनी तरफ से सेलेक्टर्स खत्म कर दिए। मल्टीपल स्टाइल सीट से मुझे आपको पढ़ाना है, मल्टीपल स्टाइल सीट से। सो आज बेटा मैं अटेंडेंस दोबारा से नहीं ले रहा हूं। आई हैव टेकन द अटेंडेंस। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, जो दिमाग चला रहे होते हैं, प्लीज ट्राई टू अटेंड इट फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आई हैव टेकन द अटेंडेंस टुडे कुणाल भाई। जिन बच्चों ने प्रेजेंट डाला था, वी हैव टेकन द स्नैपशॉट ऑफ दैट। चलिए, कल आप मुझे यहां से आगे का याद दिलाना राइट। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।